वन करें यस्य अहम अनुग्रहणामि, इस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, उसका सब धन छीन लेता हूँ ताकि वो पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो जाए, उसके जो भी आश्रय हैं। तो ये प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हुए। और उसी प्रकार से शास्त्रों में अनेक उदाहरण है। भागवतम के पहले स्कंद में उदाहरण आता है नारद मुनि का। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, 5 वर्ष की अवस्था में जो उनकी माता थी दासी के रूप में सेवा करती थी, तो सुबह सुबह जब वो गाय का दूध दुहने के लिए खेतों से जंगल के रास्ते से होते हुए खेतों में गई तो वहाँ पर रास्ते में एक सर्प ने जो है उन्हें डस लिया, तो माता की मृत्यु हो गई। तो उस समय भी है ना, अब एक प्रकार से उस 5 वर्षीय बालक नारद जो पिछले जन्म में दासी के पुत्र थे, उस 5 वर्षीय बालक का एकमात्र आश्रय जो है वो माता थी, है ना। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये नहीं हुआ कि उसने सोचा नारद ने क्या फायदा हुआ भगवान के नाम का उच्चारण करने का, क्या फायदा हुआ भक्तों की सेवा करने का, मेरी एकमात्र माई तो थी, मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था भगवान का जो भगवान ने ऐसा किया, नहीं ना। उन्होंने इसे भगवान की कृपा के रूप में लिया कि भगवान मुझे जो है पूर्ण रूप से अपनी शरण में लेना चाहते हैं, तो इसलिए जो मेरी एकमात्र आसक्ति थी उसे वापस उसे हटा दिया। तो नारद मुनि तुरंत जो है वो भगवान की शरण में गए और जो चातुर्मास के समय में उन्होंने भक्तों की सेवा की थी, भक्ति वेदांतों की, तो उनके बताए गए मार्ग पर वो हिमालय